कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2023 में पूछा गया स्टेटिस्टिक चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया। तो क्वेश्चन हमको दिया गया है कुछ ऐसा, लेट द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स ऑफ द क्लास ए ऑफ 100 स्टूडेंट्स बी रिस्पेक्टिवली 40 एंड अल्फा। यानी कि 100 स्टूडेंट के लिए मीन दिया हुआ है 40 एंड उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन SD दिया हुआ है अल्फा। कितने स्टूडेंट है टोटल 100, यानी कि n हमको क्या दिया हुआ है 100 एंड मीन फॉर द स्टैंडर्ड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स ऑफ क्लास बी, यानी कि दूसरी क्लास हमको दी गई है बी जिसमें कितने स्टूडेंट है वो नहीं दिया हुआ है, उसको डिनोट किया है n से, n नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसमें। बी रिस्पेक्टिवली 55 एंड 30 माइनस अल्फा, मीन दिया हुआ है 55 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 30 माइनस अल्फा। इफ द मीन एंड द वेरियंस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कंबाइनिंग स्टूडेंट, यानी कि दोनों को कंबाइन किया, क्या किया मतलब ए प्लस बी किया, तब कितने स्टूडेंट हो जाएंगे। तो क्लास ए में थे 100 एंड बी में थे एन, तो टोटल हो जाएंगे 100 प्लस एन। स्टूडेंट्स आर रिस्पेक्टिवली 50 एंड 350, यानी कि उसके लिए मीन दिया हुआ है 50 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 350। देन नहीं, उसके लिए यहाँ पे हमको वेरियंस दिया हुआ है, वेरियंस दिया हुआ है दोनों का कंबाइन 350। देन द सम ऑफ वेरियंस ऑफ क्लास ए एंड क्लास बी का क्या होगा, वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना। चलिए देखते हैं कौन सी डिटेल्स सबसे पहले तो दी गई है। सबसे पहले यहाँ पे तीन चीजें, तीन क्लास दिए हुआ है, एक तो है ए, दूसरा है बी, तीसरा है दोनों का सम ए प्लस बी क्लासेस। चलिए फर्स्ट में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, फर्स्ट में है यानी कि N1 टोटल स्टूडेंट है उसमें 100, उसके लिए मीन हमको दिया गया है 40, जिसको हम लिख लेते हैं मीन 1। उसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा 1 हमको दिया गया है अल्फा। याद रखना सिग्मा स्क्वायर मतलब क्या होता है वेरियंस, सिग्मा मतलब क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। उसी तरह से बी क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दिए हुए हैं, N2 दिया हुआ है, N स्टूडेंट वो हमको पता नहीं है, उसके लिए मीन दिया हुआ है यानी कि X2 बार हमको दिया गया है 30 माइनस अल्फा एंड उसके लिए हमको स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं सॉरी यहाँ पे मीन हमको दिया गया है 55 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 2 हमको दिया गया है 30 माइनस अल्फा। ये चीजें ए एंड बी के लिए दी हुई। अब दोनों को क्या किया, कंबाइन किया, उसी के लिए भी एक चीज दी हुई है, दोनों का कंबाइन हमको मीन दिया हुआ है X बार हमको दिया गया है 50, उसके लिए वेरियंस यानी कि सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ है 350 एंड उसके लिए टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 100 प्लस एन, यानी कि ए में 100 प्लस टोटल थे एन। चलिए यहाँ पे हमको दोनों का कंबाइन मीन तो दिया हुआ तो दोनों के कंबाइन मीन की फॉर्मूला क्या होगी, चलिए देखते हैं। उसके लिए फॉर्मूला होगी टोटल मीन X बार इज इक्वल टू, वो हमको दिया गया है 50, दोनों का टोटल मीन दिया हुआ है 50। उसके लिए फॉर्मूला क्या होती है, दोनों को कंबाइन करना है मतलब N1 × X1 बार प्लस N2 × X2 बार डिवाइड बाय N1 प्लस N2।
चलिए एन वन की जगह पे वैल्यू 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन वन की जगह पे है 100 इंटू एक्स बार यानी कि क्या है 40, प्लस एन टू की जगह पे है एन इंटू एक्स टू बार की जगह पे है 50 डिवाइड बाय एन वन प्लस एन टू यानी कि 100 प्लस एन। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको तो एन की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए ये आ जाएगा सामने मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हो जाएगा 5000 प्लस 50 n इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 4000 प्लस 55 n। इसको ले लेते हैं इस साइड, 50 n को भेज देते हैं सामने, तो 5000 माइनस 4000 इज इक्वल टू 55 n माइनस 50 n। चलिए ये हो जाएगा 5 n इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1000, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कैंसल आउट 200 से, यानी कि n हमको क्या मिल गया 200। तो n की वैल्यू जो हमको नहीं पता थी वो हमको मिल गई 200। अब बढ़ते हैं आगे, हमको यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन तो दिया हुआ है, लेकिन हमको नहीं दिया हुआ है क्या वेरियंस। तो ए एंड बी का वेरियंस सबसे पहले तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो वो क्या होगा। चलिए फर्स्ट के लिए वेरियंस की फॉर्मूला सिग्मा वन स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल टर्म्स कितनी है 100 माइनस, उसके लिए वेरियंस क्या था 40 यानी कि 40 का स्क्वायर। उसी तरह से सेकंड के लिए सिग्मा टू का स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल टर्म्स कितनी है उसमें भी 100 माइनस 55 का स्क्वायर। यहाँ पे हमको जो n मिला था वो सेकेंड टर्म्स के लिए था, उसमें टोटल टर्म्स थी 200, तो यहाँ पे 2 के लिए क्या आएगी 200, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, ए में थे 100 बी में कितने थे 200, तो टोटल हो जाएंगे 300। चलिए अब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर सिग्मा वन हमको पता था क्या था अल्फा, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाय 100 माइनस ये हो जाएगा 1600। इसको भेज देते हैं सामने, यानी कि समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1600। उसी तरह से यहाँ पे सिग्मा टू हमको पता था क्या था 30 माइनस अल्फा, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 माइनस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाय 200 माइनस 55 का स्क्वायर यानी कि 3025। इसको भेज देते हैं सामने, देयरफॉर समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन 200 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस 3025। अभी ये दोनों इंडिविजुअल हमने फाइंड आउट कर लिए। अब
दोनों के लिए कंबाइन हमको पता है, उसका वेरियंस हमको दिया गया है, कंबाइन वेरियंस दोनों का दिया हुआ है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हुआ है 350, दोनों का कंबाइन दिया हुआ है, तो उसकी फॉर्मूला समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, डिवीजन में क्या आएगा, दोनों का सम यानी कि 100 प्लस 200 माइनस दोनों का कंबाइन वेरियंस का स्क्वायर। चलिए सभी की वैल्यू हमको पता है, 350 वैसे का वैसा इज इक्वल टू यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम इसको समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 100 आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो हमको आंसर मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1600 इंटू 100 प्लस, उसी तरह से अगर हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो 200 आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 3025 इंटू 200 अपॉन दोनों का सम 300 माइनस दोनों का कंबाइन मीन हमको दिया गया था 50 उसका स्क्वायर। चलिए सभी को कैलकुलेट कर लेते हैं, इन दोनों में से हम 100 कॉमन ले सकते हैं, तो 350 वैसे का वैसा, 100 दोनों में से ले लिए कॉमन हमने बाहर, अंदर क्या बचा, तो अंदर बचा अल्फा स्क्वायर प्लस 1600 प्लस, ये एक पार्ट हो गया हमारा, 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो 2 वैसे का वैसा इनटू, इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, थर्टी माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस 3025 ये ब्रैकेट में है डिवाइड बाय 300, दोनों हो गए कैंसल, 0 3 आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में माइनस 50 का स्क्वायर यानी कि 2500। सबसे पहले यहाँ पे हमको इसको भेज देते हैं सामने, तो क्या हो जाएगा 350 प्लस 2500 यानी कि टोटल हो जाएगा 2850। 3 यहाँ पे डिवीजन में है, सामने चला जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो इस साइड बचेगा क्या, सिर्फ इस साइड बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1600 प्लस 2, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में भेज देते हैं तो 2 इंटू 30 माइनस अल्फा का स्क्वायर एंड 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6050। कैलकुलेट कर लेंगे इसको मल्टीप्लाई करके करेंगे तो हमको मिलेगा 8550 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, इन दोनों को सम कर लेंगे प्लस 2 वैसे का वैसा, 30 माइनस अल्फा स्क्वायर का सिंप्लीफिकेशन, ए माइनस बी का सिंप्लीफिकेशन, सबसे पहले 30 का स्क्वायर मतलब 900 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि 60 अल्फा प्लस अल्फा का स्क्वायर प्लस, इन दोनों को सम किया तो क्या मिला हमको 7650, इसको हम भेज देते हैं सामने की साइड तो हमको क्या मिल जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 900 इज इक्वल टू 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई तो अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1800 माइनस 120 अल्फा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई प्लस 2 अल्फा स्क्वायर। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, 19 को भेज देते हैं 900 को सामने, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर यानी कि 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 120 अल्फा, ये हो जाएगा माइनस यानी कि प्लस 900 इज इक्वल टू
जीरो, सभी में से थ्री कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा अल्फा स्क्वायर माइनस 40 अल्फा प्लस 300 इज इक्वल टू जीरो। 300 के ऐसे दो पार्ट जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता हो, माइनस, मल्टीप्लिकेशन 300 एंड एडिशन क्या होता हो, -40। चलिए इसके दो पार्ट हो जाएंगे, अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा माइनस 30 अल्फा प्लस 300 इज इक्वल टू जीरो। दोनों में से अल्फा कॉमन, तो बचा क्या, अल्फा -10 एंड यहाँ पे -30 कॉमन, तो यहाँ पे बचा अल्फा -10 इज इक्वल टू जीरो। तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा -10 एंड दूसरा हो जाएगा अल्फा -30 इज इक्वल टू जीरो। तो अल्फा इज इक्वल टू दो वैल्यू मिलेगी 30 एंड अल्फा की दूसरी वैल्यू मिलेगी, एक मिलेगी 10 एंड दूसरी मिलेगी 30। लेकिन हम 30 अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अगर 30 -30 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं, तो अल्फा की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, क्या है, 10। चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे अगर अल्फा की जगह पे क्या मिला हमको, 10 एंड 30 -10 यानी कि ये क्या मिला, 20। हमको फाइंड आउट क्या करना था, ए एंड बी के वेरियंस का, वेरियंस। तो वेरियंस क्या होता है, समेशन ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर, ये होता है वेरियंस। सिग्मा 1 क्या मिला, 10, 10 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 20, 20 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 400 यानी कि टोटल हो जाएगा हमारा 500। तो हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट, फर्स्ट वन जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, तो सबसे पहले तीन पार्ट हमको दिए गए थे, ए बी सी। ए में था हमारा 1 क्लास, बी था हमारा 2 एंड सी में जो था उसमें था दोनों का कंबाइन। अब हमको टोटल मीन दिया हुआ था, तो उसके ऊपर से हमारे पास जो ये एन की वैल्यू नहीं थी वो हमने फाइंड आउट कर ली टोटल के ऊपर से। उसके बाद हमको दोनों का वेरियंस की फॉर्मूला पता थी, वेरियंस की फॉर्मूला के ऊपर से दोनों के सम का स्क्वायर क्या होगा वो फाइंड आउट कर लिया एंड उसके बाद वेरियंस की फॉर्मूला दोनों कंबाइन के लिए अप्लाई कर दी, फिर सभी जगह पे वैल्यूज पुट कर दी, तो हमको जो अल्फा की वैल्यू पता नहीं थी वो मिल गई। 30 पॉसिबल नहीं है क्योंकि 30 -30 क्या हो जाएगा, जीरो। तो अल्फा मिल गया 10, आगे पुट किया तो एक अल्फा हो गया हमारा, वेरियंस हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन 10 एंड दूसरा हो गया हमारा 20। दोनों का करना था वेरियंस फाइंड, तो वेरियंस होता है दोनों का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर यानी कि 100 प्लस 400 मिल गया हमको 500। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया फर्स्ट वन।